Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at Kurla Fish Market, one of the most popular aquarium fish shop. This is Naz Aquarium and आज बहुत दिनों के बाद मैं पहली बार रात के टाइम में कुरला फिश मार्केट में आया हूँ और इनके पास नाज़ एक्वेरियम में अभी कुछ देर पहले बहुत सारा एक्वेरियम फ़िश स्टॉक आया हुआ है. जस्ट लुक एट दैट. एंड मैं जब भी इनका स्टॉक कवर किया हूँ इसके पहले, वो हमेशा एक दिन या दो दिन बाद कवर किया है तो थोड़ा बहुत सोल्ड आउट हो जाता है. बट दिस टाइम स्पेशली फॉर यू गाइज़ टू शो देयर स्टॉक क्वान्टिटी मैं रात के टाइम आया हूँ ताकि आप पूरा इनका स्टॉक देख सके. तो हमारे साथ है यहाँ पर मिस्टर परवेश. कैसे हो परवेश भाई आप? मजे में हो. तो कितने वैरायटीज़ आए हुए हैं इस वक्त? अभी इस पे ना 25 to 30 वैरायटीज़ अवेलेबल है शॉप में. ओके. एंड ऑलमोस्ट सारे फिश टैंक स्टॉक्ड हो चुके हैं राइट? सारे फिश टैंक फुल हो चुके हैं. ओके और किसी को अगर चाहिए तो कौन से डेज पे क्या क्या टाइमिंग्स में आ सकते हैं इस फिश शॉप में? कभी भी आ सकते हैं. 24 hours अवेलेबल है डे में. ओके शाम तक कभी तक खुला रहता है? मॉर्निंग 10 to 9. ओके सो फिर स्टार्ट करें परवेश भाई आपके. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे 4 टैंक के रोज़ हैं. तो हम सबसे पहले ये मिडल के 2 रोज़ कवर कर लेते हैं, देन विल शो यू द बॉटम टैंक रो और उसके बाद में टॉप रो दिखा देते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर एक कलरफुल आई प्लीजिंग टेट्रास. तो ये परवेश भाई कौन सा है आपके पास? कलर विडो से. इसमें आपको ग्रीन कलर है, येलोइश कलर है, पर्पल है. 3 कलर के विडो टेट्रा अवेलेबल से ये. ओके 400 रुपीज़ डजन है. ओके और पैर? पैर में लेंगे तो आपको 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ साइज़ के ऊपर है. जो साइज़ अवेलेबल है वैसा मिलेगा. अभी ये आपको पैर लेंगे तो 80 रुपीज़ तक आ जाएगा. ओके तो नाज़ एक्वेरियम में हमेशा ही बहुत से व्यूवर्स जो है प्राइस जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, इसलिए आपको ईच एंड एवरी फिश वैरायटीज़ की हम लोग प्राइसेस भी बताएंगे. तो इस टैंक में है बहुत कॉमन सी दिखने वाली एक्वेरियम फ़िश. क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको ऑर्डिनरी टाइगर शार्क बोलते हैं. ओके ये इस टैंक में 300 पीस है. ये 80 रुपीज़ पेयर आएगा आपको. ओके और यहाँ पर भी सेम है. उससे थोड़ा बड़ा साइज़ है. ओके ये आपको 100 रुपीज़ आएगा. उससे एक साइज और नीचे छोटा है. 100 रुपये की जोड़ी आएगी. हाँ. ओके और यहाँ पर ये कोई कार्प है जी. ये कोई कार्प है. ये आपको 80 रुपीज़ पेयर आएगा. ओके तो आप बताना चाहेंगे इसके अंदर मेडिसिन डाली है, तो ये क्यों डालते हैं आप? ये मेडिसिन इसलिए डालते हैं क्योंकि अभी इसको सीमेंट पॉन्ड से निकाल के लाया है तो इसको सेट होने के लिए 12 घंटा लगता है. ओके तो मेडिसिन इसके लिए डालते हैं कि इनको जो भी ट्रैवलिंग में पूरा स्ट्रेस है वो निकल जाएगा सुबह तक. ओके तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये कोइज ये मैं देख रहा हूँ. ये जो पहले वाले कोइज थे थोड़े से कॉमन या लोकल इजीली मिलने वाले, इन कोइज का कलर देख रहा हूँ थोड़ा बहुत इंडोनेशियन कोई. ओके ये आपको आएगा 500 रुपये जोड़ी. ओके ये देखिए मैं आपको एक ही फ्रेम में दोनों कोइज दिखा देता हूँ. ये राइट वाले आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ये भी कोइज अच्छे हैं. तुलना नहीं कर रहा हूँ बट आप क्वालिटी कंपैरिजन कर सकते हैं. दीज आर लोकली कॉमनली अवेलेबल कोइज, दीज आर इम्पोर्टेड कोइज, इसलिए इनकी प्राइस भी ज़्यादा है. जैसे कि इन्होंने बताई 500 रुपये जोड़ी है राइट? राइट. एंड यहाँ पर चिपकू फिश है. क्या बोलते हैं इसको? इसको सकर कैट बोलते हैं. इसमें दो वेराइटीज़ के हैं. एक ऑर्डिनरी है ब्लैक सकर कैट और एक है अल्बिनो रेड आई सकर कैट. ओके कैसे मिलेगी? जो ब्लैक वाले वो 300 रुपीज़ पेयर आएंगे और जो गोल्डन है अल्बिनो टाइप में वो 600 रुपीज़ पेयर आएंगे. अच्छा और यहाँ पे देख रहा हूँ चिंटू से है कलर विडो टेट्रास. ये जो पहले टैंक में अपने सबसे पहले मच्छी कवर की है विडो टेट्रास, उसमें ये स्मॉल साइज़ है. ये आपको आएगा 300 रुपये डजन. अच्छा और यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले कोइज. ये मल्टी कलर लोकल कोइज हैं. ओके अच्छा जो वो टैंक में देखे थे छोटे स्मॉल साइज़ के थे, वही साइज़ में ये बड़े साइज़ है. 4 से 5 इंच के हैं ये. अच्छा ये कैसे मिलेंगे? ये 300 रुपये जोड़ी आएंगे आपको. ओके और यहाँ पर ऊपर के टैंक में बहुत से अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल गोल्ड फिश है. ये कौन से गोल्ड फिश है? ये इसको शुभमकिन गोल्ड बोलते हैं. इसमें मल्टी कलर्स आते हैं, कोई प्योर वाइट्स आता है. अच्छा ये 3 to 4 इंच साइज़ है. ओके और ये 60 रुपीज़ पेयर आएगा आपको. अच्छा तो ये देखिए आप ये तो बोलते हैं कॉमन गोल्डफिश है, फैंसी गोल्डफिश में नहीं आते, बट फिर भी देखिए ये भी कितने खूबसूरत दिखाई देते जैसे इनके कलर्स और इनके पैटर्न आते हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। दो दे आर नोन एज कॉमन गोल्डफिश, ईजीली अवेलेबल गोल्डफिश, बट स्टिल दे आर सो अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देयर कलर्स एंड पैटर्न। क्या प्राइस आपने बताया इसकी? 60 रुपीज़ पेयर। ओके, सो दे आर 60 रुपीज़ फॉर अ पेयर, दैट इज़ 30 रुपये का एक और 60 रुपये की जोड़ी। उसके बाद में यहाँ पर ये वाले कोलाबू ब्लू पैरेट है, उलड़ पैरेट है, शॉर्ट बॉडी में आते हैं। ये कैसे मिलेंगे? ये आपको 100 रुपीज़ पर पीस आ जाएगा। अच्छा, देन यहाँ पर काफ़ी मल्टी कलर कोई से, इसको जापानीज कोई बोलते हैं। ये 600 रुपीज़ पेयर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर है कॉमन गोल्डफिश बट कलर्स काफ़ी इनके उठते हुए दिख रहे हैं। ये कैसे मिलेंगे? 80 रुपीज़ पेयर है। ओके, देन यहाँ पर एक ही कलर के कलर वीडियो है जो वहाँ का दिखा है ना, इसमें सिर्फ सिंगल कलर बचे, बाकी के शॉर्ट आउट हो गए। ओके, ये भी 400 रुपीज़ डजन आएंगे। ओके, एंड नीचे तो मेरे ख्याल से 100 से भी ज़्यादा नन्हे से गोल्डफिश है इस टैंक में। ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे गोल्डफिश है। ये प्रवेश भाई क्या ये 2 इंच के गोल्डफिश है? ये जो मॉन्स्टर फिशेस आते हैं अरवाना जी, एलिगेटर गार वगैरह, उसको फीडिंग के लिए भी डाल सकते हैं ये तो। मोस्टली करके हमारी शॉप से वो फीडिंग के लिए यूज़ होता है। ये 200 रुपीज़ डजन बेचते हैं हम लोग। सही है। और ये थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। हाँ, ये जो आगे अपने ऑर्डिनरी गोल्ड कवर की है ना, उससे ये एक साइज़ बड़ा है। अच्छा, ये आपको 100 रुपीज़ पेयर आ जाएगा। ओके, तो ये आएंगे 100 रुपये की जोड़ी। एंड यहाँ पर शार्क्स है छोटे से, ये कैसे प्राइस में आएंगे? 50 रुपीज़ पेयर है वो। ओके, तो ये ब्लैक शार्क है और यहाँ पर है अल्बाइनो शार्क, राइट? हाँ, ये अल्बाइनो शार्क है, 80 रुपीज़ पेयर है। ये ब्लैक आइज में है, रेड आइज में नहीं है। अच्छा, ओके, तो ऊपर वाले रो की सबसे पहली टैंक है ये, इसके अंदर है एंजल्स। तो क्या टाइप्स के एंजल्स है भाई अंदर? ये इस पर ऑर्डिनरी मार्बल एंजल है और स्कार एंजल है। ये आपको 200 रुपीज़ डजन आएंगे। अच्छा, और यहाँ पर ये किसिंग गोरामीज है, इसको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मोस्टली कॉमन टैंक में भी रख सकते हो और ये 60 रुपीज़ पेयर पड़ेगा आपको। ओके, तो ये देखिए इनके जो सामने के मुंह है इस तरह से हिलते रहते हैं, जैसे कि ये किस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको किसिंग फिश बोलते हैं। कैसे आएगा ये बताया आपने? 60 रुपीज़ पेयर। ओके, तो नीचे के टैंक में हमने कवर किए थे शबनकिन गोल्डफिश। ये वाले कौन से है भाई? ये रेडकैप ओरंडा है जी। ये ओरंडा इसमें आते हैं, रेड कैप की वेराइटीज़ है। और साइज़ कितनी है इनकी? साइज़ है आपको 6 इंच का है वो। और क्या प्राइस में आएंगे? ये आपको 200 रुपीज़ पेयर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस टैंक में एक बाप की वैरायटी है, क्योंकि इनको कुछ ही टाइम पहले ऐड किया है, घंटे पहले भी नहीं, कुछ ही मिनटों पहले ऐड किया है, तो इसलिए थोड़े से अंडर स्ट्रेस है, बट दे विल बी स्ट्रेस फ्री बाई टुमारो और डे आफ्टर। तो ये क्या टाइप के बाब्स है? ये टिनफॉयल है, सिल्वर टिनफॉयल बार्ब है, रेड फिन्स के। कैसे? ये थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो कॉमन टैंक में इसको ज़्यादा करके लोग नहीं रखते, इसको थोड़ा मॉन्स्टर फिशेस के साथ में रख सकते हैं। ये आपको 200 रुपीज़ पेयर आएगा। तो इस टैंक में स्टॉक काफ़ी सारे गुरामीज, कौन से भाई बता पाओगे आप? इसमें कॉस्बी गुरामी है, ब्लू गुरामी है और ये अपना गोल्डन गुरामीज है। ओके, ये 50 रुपीज़ पेयर है। अच्छा, कोई भी इसमें से ले? 50 रुपीज़। ये भी विदाउट ऑक्सीजन रहते, इनको आप बाउल वगैरह में भी इजीली रख सकते विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो 50 रुपये की जोड़ी, यानी 25 रुपये की एक गुरामी, काफ़ी अच्छा रेट है। देन यहाँ पर वो चिकलेट्स है, कलरलेस चिकलेट्स है। इसमें से कलरफुल चिकलेट सब शॉर्टिंग हो गए, अभी ये थोड़ा सा बचा है। ओके, ये आपको 200 रुपीज़ पेयर आएगा। इसको थोड़ा कलर फीड वगैरह करेंगे तो कलर ग्रो हो जाएगा उसका वापस से। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारे इस टैंक में देखिए ये कैसे मिलेंगे? ये अल्बिनो सकर कैट है, स्मॉल साइज में, ये 80 रुपीज़ पेयर पड़ेगा आपको। ओके। सो इस टैंक में है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिश, दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रैगन फिश। तो क्या नाम है इनका भाई? ये सिल्वर अरवाना है। ओके। बॉडी साइज इसका 4 इंच का है और 1 फीट के आसपास है वो। अच्छा, तो कैसे मिलेंगे यहाँ पे? ये 2000 रुपीज़ पर पीस आएंगे आपको। अच्छा, ओके। यहाँ पे ऊपर के टैंक में कौन से फिश है? ये वेलटेल गोल्ड है। वेलटेल गोल्ड, वेलटेल गोल्ड बोलते हैं इसको। 150 रुपीज़ पेयर है। यहाँ पर इस टैंक में आप देखेंगे काफ़ी सारे मोलीज है, क्या क्या कलर्स अवेलेबल है इसमें? ऑरेंज मोली है, ब्लैक मोली है, वाइट मोली है। ये सब मिक्स लॉट हमारे पॉन्ड से निकला है, हमारा फार्म हाउस है वांगनी में। ओके। ये सारे फिशेस वहाँ से लाए हुए हैं। ये वेलटेल गोड्स, अरवाना, मोलीज, सिल्वर डॉलर। ओके। ये इधर हम लोग 30 रुपीज़ पेयर सेल करते हैं। ओके, वाओ। एंड यहाँ पर अगेन देयर इज़ किसिंग गुरामी, इनकी प्राइस सेम अलग है? इनकी प्राइस अलग है, थोड़ा बिग साइज में है। अच्छा। ये 6 इंच के किसिंग गोरमी है, ये भी विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाते हैं। ओके। 200 रुपये पेयर है। ओके, 200 रुपये पेयर है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बीटा स्टॉक भी आया हुआ है, काफ़ी सारे बीटाज आए हुए हैं। जी, ये बिल्टेल फाइटर है। ओके जी, ये 80 रुपीज़ पीस है। अच्छा, और ये दूसरे इसमें से कौन से टाइप्स के हैं? इसमें रेड है, ब्लू है, 2 कलर अवेलेबल है अभी। ओके, ऑलराइट। कैसे फाइटर्स फिर? 80 रुपीज़ पर पीस है। अच्छा, उसके बाद हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर डॉलर है, 2 इंच का। अच्छा, कैसे आएगा ये? 60 रुपीज़ पेयर आएगा ये। okay. और यहाँ पे ये ब्लू मॉफ है, मॉफ वेराइटीज़ है। मॉफ सिकलेट है। ये थोड़े से बचे हुए मॉफ वेराइटी है, ये भी आपको 200 रुपीज़ डजन आ जाएंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पर इस टैंक में ये गप्पी है, रेड गप्पी है। अच्छा, ये भी आपको 200 रुपीज़ डजन आ जाएंगे, स्मॉल साइज में है ये। ओके। उसके बाद यहाँ पर ये ज़ेब्रा है सर, मिक्स लॉट है ज़ेब्रा का। अच्छा, ये आपको 150 रुपीज़ डजन आ जाएंगे। ओके okay. और यहाँ पर ये मोली है, गोल्डन मोली है, हाई फिन्स की। अच्छा, 60 रुपीज़ पेयर है वो। इस टैंक में भी विडो है ये? हाँ, ऑर्डिनरी विडो टेट्रा है वो। अच्छा, ये आपको 40 रुपीज़ पेयर आ जाएंगे। ओके okay. और यहाँ पर ये वो मोली का लॉट है, वाइट मोली है। अच्छा, ये आपको 30 रुपीज़ पेयर आ जाएंगे। ओके okay. और इसके अंदर ये थोड़ा सा वेलटेल मिल्की को ये बचा हुआ है। अच्छा, और थोड़ा सा कल लॉट आएगा फिशेस का। ओके okay. ये आपको 80 रुपीज़ पेयर आएंगे। ओके okay. देन ये वाले ये मिक्स गुरामी है। ओके okay. गुरामी का लॉट है, 40 रुपीज़ पेयर है, 50 रुपीज़ पेयर है जी। और यहाँ पर ये इसको चॉकलेट मोली बोलते हैं। अच्छा, चॉकलेट मोली है, ऑरेंज एंड ब्लैक इस पे, चॉकलेट मोली बोलते हैं इसको। ये आपको 50 रुपीज़ पेयर आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही टाइनी फिश है ये तो। हाँ, ये इस पे का ज़ेब्रा है, एक टैंक जो आपने कवर किया ना उसमें से थोड़ा लॉट यहाँ निकाल के रखे, सेल हो गए, इसको राजस्थान भेजना है करके। ऑलराइट, सो हमने बहुत सारी वैरायटीज़ देखी एट नाज़ एक्वेरियम एंड बहुत टाइम के बाद मैंने नाज़ एक्वेरियम आज कवर किया। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत से लोगों को नाज़ एक्वेरियम की वीडियोस देखना पसंद है। सो डू लेट मी नो कि आपको इनका ये लेटेस्ट अराइव्ड स्टॉक कैसा लगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई हमको फिशेस की जानकारी बताने के लिए। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज़ करनी है तो वीडियो के शुरू में आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एज वेल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द एड्रेस। सो इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। दिस वॉज नाज़ एक्वेरियम located at Kurla Fish Market.